अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असद मलिक और आप देख रहे हैं अली स्पोर्ट्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई थी और मुकम्मल सीरीज़ खेलकर नहीं गई थी, बल्कि सीरीज़ का कुछ हिस्सा खेलकर गई थी और दोबारा सीरीज़ के लिए बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान आना था। और जब आना था वो महीना था अप्रैल का, यानी अप्रैल के महीने में बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान आना था, लेकिन कोरोना वायरस चूँकि वो फैल चुकी थी मार्च के महीने में ही, उससे पहले ही पूरे पाकिस्तान में और क्या पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, जिसकी वजह से इस टूर को पोस्टपोन कर दिया गया था। और दोनों बोर्ड्स के दरमियान ये बात हुई थी कि जैसे ही कोई खाली विंडो मिलेगी तो इस सीरीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। तो दोस्तों, वही बताने जा रहा हूं कि अब मैचेस कब होंगे, सीरीज कब होगी, सारी तफसील बताने जा रहा हूं कि न्यूज़ आ चुकी है क्लियर। तो हमारे चैनल अली स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है। पाकिस्तान की तो अप्रैल में होने थे एक वनडे और एक टेस्ट मैच जो कोरोना वायरस की वजह से ना हो सका, यानी पोस्टपोन हुआ। तो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान बातचीत दोबारा से शुरू हो चुकी है और इस सीरीज़ के दोबारा होने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं और बांग्लादेश की टीम दोबारा पाकिस्तान आने जा रही है। तो इसके लिए खाली विंडो तलाश की जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि PSL के मैचेज हैं 14 नवंबर को, 15 नवंबर को और 17 नवंबर को। तो हो सकता है बांग्लादेश की टीम एक टेस्ट और एक वनडे खेलने के लिए PSL के मैचेज से पहले आ जाए या फिर PSL के मैचेज के बाद और न्यूजीलैंड के टूर से पहले। न्यूजीलैंड का टूर जो है वो है 10 दिसंबर के बाद, तो उससे पहले भी बांग्लादेश की टीम आ सकती है एक वनडे और एक टेस्ट मैच खेलने, या फिर न्यूजीलैंड के टूर के बाद भी हो सकता है। यानी इम्कानात रोशन हो चुके हैं, तो बहुत जल्द इन्हीं 2-3 महीनों में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान का टूर करेगी। अल्लाह।